देश भर में आज से तीसरा लॉकडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना का कहर अभी भी बरकरार है और ये बात हम सभी को याद रखनी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीन जोन में बांटकर लॉकडाउन में राहत दी है। वहीं जयपुर रेड जोन में शामिल है, लेकिन कुछ राहत यहां पर दी गई है। इस दौरान छोटे उद्योगों को राहत दी गई है जो सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप काम करेंगे। साथ ही आवश्यक सामानों के प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए लॉकडाउन और धारा 144 की पालना के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन लॉकडाउन 3 के पहले दिन लोग घरों से निकलकर सड़कों पर अधिक नजर आए। लॉकडाउन 3, हालांकि आज से लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन 3 के दौरान किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उन्हीं को लेकर आज हम सड़कों पर निकले हैं। लेकिन सड़कों पर जैसे ही निकले, इस दौरान हमें देखने को मिला, जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं वो देखने को मिली कि बिल्कुल लॉकडाउन 3 के दौरान जैसे ही लॉकडाउन 3 खुला, लोग घरों से बाहर निकल कर सड़कों पर आए और कुछ इस कदर निकल कर आए कि लॉकडाउन की जो पालनाएँ थी, वो नियम थे, उनको ही फॉलो नहीं कर पाए। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक एक बाइक पर तीन तीन सवारियां वो निकल कर बाहर आ रही है, जो लॉकडाउन 3 का या फिर लॉकडाउन के साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग सहित जो कोरोना संक्रमण के दौरान जो नियम फॉलो करने थे, उनकी उल्लंघन देखने को मिल रहा है। सड़कों पर कुछ इस तरह जो लोग निकल कर आ रहे हैं, ज़रूरत के सामान के बहाने या फिर दफ्तर के बहाने जो लोग निकल कर आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने की जो आशंका है फिर से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हसनपुरा का ये जो क्षेत्र है जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन जो आप तस्वीरों में देख रहे हो कि किस तरह से लोग घरों से बाहर निकले हैं, ज़रूरत के सामान सहित कुछ अन्य आवश्यकताओं को लेकर बाहर निकले हैं, लेकिन जो गाइडलाइन जो दी गई है उसके जो फॉलो हैं वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके चलते संक्रमण फैलने की तो आशंका है ही, साथ ही साथ जो लॉकडाउन के जो नियम है वो फॉलो नहीं हो पा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जिस तरह से आप जो तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ बात करें तो कोरोना संक्रमण के दौरान जो गाइडलाइन दी गई है उसकी पालना यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही बात करें तो लॉकडाउन 3 जैसे ही शुरू हुआ तो लोगों को यह लगा कि पूरी तरह से छूट मिल चुकी है, लेकिन जयपुर की बात करें तो जयपुर अभी भी रेड जोन में है और वहाँ पर ऐसी किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। जयपुर से कैमरामैन यश माथुर के साथ में लोकेश 16 A1 TV।